पाकुड़ में स्वामी अग्निवेश पर हुए हमले और हमलावर की अभी तक गिरफ्तारी नहीं होने पर सीपीएम विरोध में एक नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया। सीपीएम नेता मानिक दुबे ने कहा कि स्वामी अग्निवेश पर हमला पूरी तरह साजिश है। उन्होंने सामाजिक कार्यकर्ता पर हमला करने वाले आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। सीटू के जिला सचिव मानिक दुबे का आरोप है कि भाजपा कार्यकर्ताओं का मन बढ़ा हुआ है, यही नहीं कानून अपने हाथ में लेने की छूट मिली हुई है। खबर 365 न्यूज के लिए पाकुड़ से गणेश झा की रिपोर्ट। भाजपा के लोग आक्रमण किए थे, उसका हम विरोध कर रहे हैं, मारपीट का हम विरोध कर रहे हैं। वो विरोध करने का तमाम लोगों का अधिकार है, अपने बात रखने का अधिकार है। वो लोग काला झंडा दिखाए थे, यहाँ तक ठीक था, लेकिन जिस तरीके से मारपीट हुई, हम इसका कड़े शब्दों में विरोध करते हैं। और ये मारपीट करने वाले तमाम लोगों को प्रशासन जो है खोज कर, तमाम लोगों का नाम भी अखबार में आया है, उन पर जो है कानूनी कार्रवाई किया जाए। जिनका नाम नहीं आया है उनको खोज कर उन पर कानूनी कार्रवाई किया जाए। प्रत्येक लोगों का अधिकार है, अपने वाक स्वतंत्रता का अधिकार है, अपने विचार रखने का अधिकार है। उसी के दरमियान ही वो यहाँ पर पहाड़िया समुदाय के किसी सम्मेलन में आए हुए थे, वे अपने बात रख रहे थे, जिससे ये भाजपा के लोग नाखुश थे और इसी पर उन पर जो है आक्रमण हुआ है, जो बहुत ही गलत बात है। केवल पाकुड़ की ये बात नहीं है, भाजपा सरकार आने के बाद 4 वर्षों में विभिन्न बातों को लेकर कि कौन क्या खाएगा, कैसा पहनेगा, कौन के नाम के राष्ट्रभक्त है, कौन क्या कहेगा, इन तमाम बातों को लेकर के जो है आज आक्रमण हो रहे हैं। खबर 365 न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। अपडेट न्यूज देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अपने सुझाव के लिए हमें इन नंबर पर संपर्क करें।